गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और फाइव पैसा में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं कि आज कैसा रहेगा मार्केट का हाल, साथ ही देखेंगे फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और स्टॉक रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को अराउंड 17,550 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,950 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी को अराउंड 37,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 38,500 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं फाइव मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। जिसकी कैश डिलीवरी की बात करें तो आप इसे होल्ड कर सकते हैं 7 से 10 दिनों के लिए। सबसे पहले है असाही इंडिया, जहां पर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 532 पर, स्टॉप लॉस 517, पहला टारगेट 550 और दूसरा 573 पर रख सकते हैं। फिर है SRF लिमिटेड, जहां पर पॉजिटिव चार्ट नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 2,505 पर, स्टॉप लॉस 2,445, पहला टारगेट 2,572 और दूसरा 2,630 पर रख सकते हैं। फिर है कजारिया सिरेमिक्स, जहां पर फर्दर बाइंग एक्सपेक्टेड है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1,356, स्टॉप लॉस 1,320, पहला टारगेट 1,395 और दूसरा टारगेट रख सकते हैं 1,460 पर। इसके बाद है मैक्स फाइनेंशियल, जहां पर साइडवेज मूव ट्रेंड है, तो इसे बाय कर सकते हैं 1,034 पर, स्टॉप लॉस 1,010, पहला टारगेट 1,065 और दूसरा 1,120 पर रख सकते हैं। फिर है एफएल इंडिया, जहां पर पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है, तो आप इसे बाय कर सकते हैं 1,303 पर, स्टॉप लॉस 1,260, पहला टारगेट 1,350 और दूसरा 1,425 पर रख सकते हैं। आइए बात करते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे और देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। KPIT टेक वेंट अप 19%, टच बोथ टारगेट्स। पूनावाला वेंट अप 8.8%, टच बोथ टारगेट्स। JBMA वेंट अप 5%, टच फर्स्ट टारगेट। डेल्टा कॉप वेंट अप 4%, टच फर्स्ट टारगेट। एंड मैन इंफ्रा वेंट अप 10.2% इन 3 डेज, टच बोथ टारगेट्स। अब बात करते हैं स्टॉक की न्यूज़ की। इसमें हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और एवेन्यू सुपरमार्ट्स की। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंपनी विल बाय कंट्रोल ऑफ न्यूयॉर्क्स मैंड्रिन ओरिएंटल होटल फॉर $98 million। ये एक्विजिशन कंपनी को हेल्प करेगा इन इंक्रीजिंग इट्स फुटप्रिंट इन द कंज्यूमर एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स। वहीं TCS की बात करें तो इंडिया के लार्जेस्ट IT फर्म की बोर्ड 12 जनवरी को बायबैक प्रपोजल कंसिडर करेगी। कंपनी विल अनाउंस इट्स थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 22 रिजल्ट्स ऑन द सेम डे। एट द एंड ऑफ द सितंबर 2021 क्वार्टर, TCS हैड कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ऑफ ₹51,950 करोड़। एवेन्यू सुपरमार्ट्स की बात करें तो इन्होंने सैटरडे को थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल 22 रिजल्ट्स रिपोर्ट किया, जहां स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ग्रू 24.6% ईयर ऑन ईयर टू ₹586 करोड़ एंड स्टैंडअलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज 22% ईयर ऑन ईयर टू ₹9,065 करोड़। मॉर्निंग आउटलुक में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही स्टॉक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फाइव पैसा के साथ जरूर बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल फाइव पैसा को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। स्टे ट्यून्ड।